हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। सुबह के 7 बज गए हैं और गुड्डू चिंकी एकदम रेडी है और नंदनी अपनी डफली अपने राग में लगी हुई है, ये देखिए। और कुछ कुछ बोलती जा रही है, लट्ठी मांग रही है। लट्ठी का क्या करना है सुबह तुम्हें? हाँ, अरे उसे रोटी डाल दो भाई, लेके ही मानेगी बिल्कुल यारी। दे अपने आप चुप नहीं रहती है, माँ को नु कह रही, जो माँ कह रही लट्टी वादारी कह रही आराम तो बोलो माँ, पापा वीडियो बना रहे। अब बताओ क्या करोगे इस लट का आप? हम तो रोटी खिलावे हैं उसे, आपने डंडा उठा लिया है। हाँ वही रख दो आराम से, देखो उसे रख दो वही, डंडा लग जाएगा सुबह सुबह। कहाँ डंडा उठा के चल दिए, कहाँ रखोगे? हाँ यहाँ रख दो। लाओ मैं रखूंगा। हाँ यहाँ यहाँ रखो, बस आओ। कीड़ा यहाँ कोने में, वो कुछ नहीं कह रहा कीड़ा आपको। आओ अब अंदर बैठो, चलो सर्दी हो रही बहुत। हाँ जी, सुबह 6 बजे से निकले हुए घूम रही है बाहर, सबसे पहले जग जाती है। छोड़ दे, अब पता नहीं क्या मकसद से कहाँ चल रही। आ गए आप? आ जाओ, देखो क्या बन रहा है तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट में। अरे सिफारिश लगवा कर बनवाया, ऐसे हाथों मत। कुछ इस अलमारी में से कुछ लेती है, ये कह रही है पापा जी मैं कुछ लेऊं। लो क्या लोगे? हाँ बताओ। क्या वो पैकेट सा? पैकेट सा? वो वाले पैकेट खत्म हो गए हैं जो आप चाहते हैं, बिस्किट के पैकेट ना? नहीं वो नहीं है अभी, इसमें तो देखो सब वैसा रखा है, कच्चा सामान। बंद कर दो इसको, ऐसे बंद कर रही हूँ माँ। किस चीज की तलाश में है नंदनी? कुछ नहीं भी तो बताए ना, रास्ता देती कुछ कुछ रास्ता भी नहीं दे रही, कुछ नहीं ढूंढो। इसमें तो कप है, जब किचन में दूध या चाय रखा रहता है ना स्टोव पे, तो एक रखवाली चाहिए। माँ को खड़ा कर दे यहाँ रखवाली पे, और ये लाई है कढ़ाई, कढ़ाई वाला सामान बनेगा कुछ, और बेसन घोल रखा, और ब्रेड कुछ अजीब तरीके से ही काटे गए आज, तो पता नहीं क्या बनेगा भाई। कुछ नया आइटम अपनी कुछ क्रिएशन है क्या? नहीं है ब्रेड के ही छोटे छोटे स्लाइस काटे, मगर उसके टिफिन में जो है सेट हो जाए आराम से, भी बड़े हो जाए बड़े। अच्छा यह बात है, चलो तब हम चले, कभी तेल के छींटे लग जा। तो देखिए फ्रेंड्स, ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ आज, मैंने ये छोटे छोटे से पीसेस कर लिए थे, और ये बेसन का घोल, और इधर कुछ इस तरीके से बना रही हूँ। ये बन के तैयार हो गए, ये देखिए, ये है आज बच्चों का ब्रेकफास्ट और लंच। लंच में भी ले जाएंगे सॉस के साथ में या जैम के साथ में, और खाकर भी मज़े से चले जाएंगे। तो बहुत ईजी नाश्ता है ये बनाना, बेसन को घोलो मसाले डाल के हल्के से, और बस ब्रेड की कटिंग करो। ये बड़ी ब्रेड थी ना इतनी बड़ी, तो फिर टिफिन में नहीं आती बच्चों के, कुछ बेसन लग जा, तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि इनकी कटिंग कर लेते हैं, छोटे छोटे पीस बना लेंगे इनके। तो गाइज अभी मैं अपने टिफिन पैक करूंगी, और अभी पापा गए हैं सॉस लेने, क्योंकि सॉस खत्म हो गई थी, क्योंकि छोटे वाला सचे इस बार पापा लेके आए थे और वो भी काफी चल गया, तो मैंने बोला आप सॉस लेके आओ, तब तक हम नाश्ता करेंगे और टिफिन भी तैयार हो जाएगा, और फिर हम स्कूल जाएंगे, और अभी हमारी एक दो दिन की छुट्टी लगी थी आगे। हाँ क्योंकि हमारा प्लान है घूमने जाने का, और आज ना मम्मी ने इसमें आलू नहीं डाला, तो बिना आलू के भी काफ़ी टेस्टी लगते हैं, और इन्हें देख के मुझे चाचा की एक बात याद आ जाती है, चाचा बोलते हैं कि इन्हें कम खाओ वरना पेट में जाके फूल जाते हैं ये, और पानी ज़्यादा पिए जाएगा। हाँ प्यास लगती है, तो चलो अभी पापा भी आ गए बाहर। आज हमारे कारपेंटर जी ने ये काम फाइनल कर दिया, औजार अपने समेटते हुए ये, और इन्होंने अधूरा छोड़ दिया काम थोड़ा सा।
ये भी बता दो अभी। और वो क्यों छोटा अधूरा में बता रही है, नू कह रहा सभी और बनो अपनी जब बनना बन गई। अच्छा मैं तक ता दिखो जागा है ना, और कुछ काम छेड़ा गया तो अधूरा तो नू छेड़ा। तो अभी फिलहाल के लिए तो इन्होंने फिनिश कर दिया जितना करना था, और आज औजार समेट लिए अपने, तो थोड़ी सी पूछ तो छोड़ते ही हैं कि भाई अगली बार कुछ ना कुछ काम आके जोड़े। ये देखो रोक्सी बचपन को जी रही अपने, अब तू बड़ी होगी छोटी नहीं रह रही, कहाँ गलगा बैठी थावले में, इतनी छोटी है तू यहाँ बैठेगी हैं। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब, आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी सुबह के 11 बज गए हैं और मुझे जाना है यहाँ शामली, कुछ जरूरी काम है, और जब चले जाते हैं तो कुछ ना कुछ लेकर भी आएंगे। मैं सोच रही हूँ अपनी गर्म कुर्तियाँ वहीं से लेकर आऊंगी, अब की बार शॉपिंग करूंगी शामली से, और शूज भी पहनने हैं क्योंकि पहले मैंने सोचा था मुजफ्फरनगर जाएंगे तो वहां से खरीद लूंगी, लेकिन इधर जाना नहीं हो रहा, वहां पर जरूरी काम है कुछ बैंक का, तो इसलिए मैंने सोचा कि वहीं से ले लेंगे। तो वहां पर मेरे डबल एक्सएल की मिल भी जाएगी, बुढ़ाना में नहीं मिली, कई जगह मैंने ट्राई भी की गर्म कुर्तियां खासकर जिसमें कंफर्टेबल सी भी रहूं, तो गर्म कुर्ती मेरे पास एक है ये, और एक रेड कलर की जो कि मैं काफी बार पहन चुकी हूँ, तो मैं सोच रही हूँ 2 या 3 गर्म कुर्तियां और लेकर आऊं। वैसे तो सर्दियों में इनका यूज होता है, गर्मियों में तो थोड़ा जैसे धूप निकली हुई है ना तो ऐसे में तो पहने भी नहीं जाती, कपड़े वैसे कॉटन के पहने जाते हैं। तो गुड्डू के पापा अभी थोड़ा सा एडिटिंग का काम कर रहे हैं, वो भी रेडी है एकदम से, बस चलने की तैयारी, और कपड़े वगैरह मैंने धो दिए हैं, बस किचन का काम थोड़ा सा रह गया खाना बनाने का, बाकी नाश्ता वगैरह सब कुछ काम निपटी चुका है हमारा। और कारपेंटर भैया की आज छुट्टी, क्योंकि 2 दिन के लिए उन्होंने छुट्टी कर दी है, और ये हमारी और सुबह के टाइम आई थी कारपेंटर भैया, दोनों के दोनों सूज रैक तैयार करके चले गए, इसमें थोड़ा सा काम रह रहा था बाकी रात के टाइम से। तो यहाँ पर अभी एक थैला और रखा है उनका, कील कांटी रखी, अभी मंदिर बनाना बाकी है क्योंकि कई सारी चीज़ें रखी हुई है अभी ऐसे ही। तो माँ कर रही है किचन साफ, और इधर ली थी हरी ताज़ी सब्जियाँ, सब्जी में मटर, हरी प्याज, टमाटर और हरा धनिया, ये लिया था हरा धनिया, तो अभी हमारे पास में है। तो माँ यहाँ पर लगी हुई है किचन को साफ करने के लिए, क्योंकि किचन हो गई थी बहुत ज़्यादा गंदी, सुबह के टाइम मैंने दिए थे बच्चों को पकौड़े बनाकर तो उस पर जगह जगह निशान लगे हुए थे, तो बस यही काम बाकी रह रहा था, और अब जो है आराम से हम लोग चले जाएंगे। बच्चों के स्कूल का टाइम है 1 बजे और हम 2:30-3 बजे तक वापस आ जाएंगे काम होते ही। तो चलो जी करती हूँ तैयारी चलने की, कपड़े वपड़े पहन लेते हैं, कागज रखते हैं मोटरसाइकिल के। और नंदनी कहाँ है, नंदनी घूमन जाली यही है, नहीं यही है, तो वह उधर बोल रही होगी, आवाज आ रही थी नंदनी की। शाम की झाड़ू लगा रही है गुड्डू, और गुड्डू मेरा इंतजार करके लगी है काम में कि मम्मी आएगी तो वही करेगी, और मम्मी हो गई है थोड़ा लेट, गुड्डू ने सोचा कि मैं ही लगा देती हूँ, क्योंकि आंगन में इस तरीके से पड़ा हुआ गंदा लगता है। और यहाँ पर रोक्सी बंद रही ना, ये रोक्सी बहुत शरारती होगी, ये देखो कैसे चढ़ेगी, रोक्सी पीछे बांध रखी है, और जब यह है इसकी हालत, इसके बाल भी बहुत टूट रहे गुड्डू है, हेयर फॉल हो रहा है इसका, तो यह तो उस तक ममार्थ के शैम्पू तो नुहाना पड़ेगा, मजबूत हो जाएंगे। और यहाँ से दो माँ जी बैठ कर थोड़ा हाँ चिलम का आनंद लेते हुए सर्दी के मौसम में, चीकू कर आएगा रह जानता कोई बात नहीं। मोर पंख, और माँ आज इतने मोर देखे मन ने, इतने कदीन देखे, इतने मोर थे यहाँ, ताई फुगाने दा पर है बहुत मोर थे, यहाँ तो इंगा तो जंगल में एक भी मोर नहीं आरूंगा, तो इतने मोर है। और जो बाइक रोक है ना सरल देखना, उसमें बढ़ जाए मैं वहां का वीडियो बनाइए, मुझे आपका फोन चाहिए, मेरा फोन वहीं बेड पे रखा, हो गया सारा होमवर्क ठीक है। और यहाँ पर सर्दी के मौसम में अंदर बैठ जाते, बाहर इतना कष्ट क्यों उठा रहे बैठने का, सर्दी हो रही, तो यार उसका बैग लगा दूं वो, और वो पोचा लगाने में लग गई, देखो इसे फिगर हुई शाम के टाइम पोचे की, कोई कोई तो सुबह के टाइम क्लीनिंग कर रख रहे हैं, और ये नया टोपा तेल लगा लिया, कैसा महसूस हो रहा नया टोपा लगा के, बहुत गर्म फील हो रहा बढ़िया है इसका मतलब है, गर्मी का एहसास हो रहा एक तो नु कह रहा था, कह रहा पंखा चला दो सिर में दर्द है यार, मैं तो कह रहा मगर बहुत गर्म टाइम लगा, कह रहा दिखाइयो
लगा के सिर पे मुकर पंखा चला दो गर्मी लग गई मुझे तो कहते रहेंगे इतने कपड़े पैर है इतने कपड़े पैर है एक दो गर्म पैर कह रही है सारे यार मुझे पैर नहीं देते और तो फिर मुझे क्यों देख लगे क्या कह रहे थे सुबह के टाइम में मुझे पैर नहीं देते कह रही जाइए और ओढ़ ले ए चल बस रखिए ऐसे उसमें घुमा के ला रही उसमें घुमा के ला रही देखो इसमें घुमा के ला रही हाँ ए सुखाने वाले में घुमा रही और यहाँ आके झिड़केगी बस सुबह सोच लिए कुछ नहीं अभी बिल्कुल अभी तो जी यहाँ पे बना दी है मैंने चटनी और चटनी गुड्डू की आंच से खुल जाए क्योंकि कई टाइम हो जाते हैं उसे आलू को देख देख कर रोती रहती है और सबसे बड़ी समस्या आलू की होती है तो ये हरी प्याज टमाटर और हरा धनिया अदरक और हरी मिर्च की चटनी तो तैयार है और इसे जया कहीं भी लो खाओ जाएगी और अपने शरीर की एनर्जी बढ़ाओ जाएगी ठीक है गुड्डो ओके डन अभी से रख दो फ्रिज में कई दिन के नाम तक कई दिन तक चलेगी